तो अपन को यहां से पढ़नी है ना, अदर से। देखो ये न्यूज है जो अपन को लेनी है ना। हुआ क्या है अभी रिसेंट के अंदर, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है करौली। करौली के अंदर हिंडौन के पास में अभी बहुत बड़ा हमें जो है रिजर्व मिला है आयरन ओर का, ठीक है। करौली के अंदर हमको क्या मिला है, तो आयरन ओर का रिजर्व मिला है। और कितना बड़ा है, तो 840 मिलियन टन जो है इतना मिला है। कहाँ कहाँ पर मिला है, तो खोड़ा, ददरौली, तोड़ूपुरा और लिलोडी हिंडौन के पास में, यहाँ पर भी सबसे बड़ा हमको जो है आयरन ओर का रिजर्व मिला है, ध्यान रखना। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी उसकी लिथियम की, पर वो राजस्थान के अंदर भी आई थी ना, डेगाना के अंदर, पर वो फेक थी, मतलब श्योर नहीं है। लिथियम आपसे पूछ ले कहाँ मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, लिथियम रिजर्व कहाँ मिले, जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सा हमको मिला है, तो वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट आयरन ओर जो है वो मिला है। क्या होते हैं मैग्नेटाइट, क्या होते हैं हेमेटाइट, तो आयरन ओर के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो आयरन ओर के अंदर जो हमको मिलता है, इसमें कितना परसेंट उसके अंदर मेटालिक ओर है, वो उससे मालूम पड़ता है कितना बेहतरीन वो लोहा है। जो सबसे बेहतरीन होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट के अंदर 70% जो है वो मेटालिक ओर होता है। मेटालिक ओर यानी लोह अयस्क, सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है हेमेटाइट की, है ना। हेमेटाइट सबसे बेहतरीन है, उसके बाद में मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट के अंदर 60-70% होता है, फिर उसके बाद में आता है मैग्नेटाइट के बाद में लिमोनाइट, लिमोनाइट के अंदर होता है 40-60% और फिर होता है साइड्राइट, इसके अंदर होता है 40%, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है हमें आयरन ओर की गणना होती है कि कितना आयरन ओर जो है वो इसके अंदर है। साइड राइट हटा दूं, ठीक है। तो चार टाइप के आयरन ओर हैं, इनके बेसिस में मालूम पड़ता है कि आयरन जो है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो ये ध्यान रखना भाई, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइड्राइट, इसको हटा दूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई बातें। उसके बाद में उड़ीसा सरकार की एक योजना आई है और योजना का नाम है स्वयं। इस स्वयं के अंदर उड़ीसा सरकार क्या कर रही है, तो यूथ यानी युवा इनको 1,00,000 रुपए दे रही है और वो 1,00,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट फ्री है, यानी उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। काई के लिए दे रही है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उस बिजनेस को बढ़ा सकें, और अगर आपका बिजनेस नहीं और आपको बिजनेस खोलना है तो बिजनेस खोलने के लिए 1,00,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं, ठीक है। या तो आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप ये ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कुछ भी गिरवी नहीं रखवाना पड़ेगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जरूरत नहीं है, है ना। और अगर आप नहीं है तो आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई करंट है तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं 1,00,000 रुपए देके। कितने लोगों को दिया जाएगा, तो शहर के 1,00,000 और गांव के 1,00,000, इन दोनों को जो है दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री लोन। शहर के 1,00,000 जनता और गांव की 1,00,000 जनता, उनमें यूथ को दिया जाएगा, युवा जिनकी उम्र है 18 से 35 साल के बीच में, उनको दिया जाएगा ये योजना का, ठीक है। तो योजना का नाम है स्वयं योजना, ठीक है। नौकरी की देख लो, नहीं तो फिर उड़ीसा चले जाना, 1,00,000 रुपए दे ही रहे, है ना। कार्ड वार्ड बन जाते हैं लोकल, तो क्या है, पैसे लेना भाग के जाना राजस्थान।
और राजस्थान के अंदर तो ध्यान रखना भाई। नहीं ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड जो है इसने अभी रिसेंट में एक मेडिकल सर्विस स्टार्ट करी है, संजीवनी इनका प्रोग्राम है। उस संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा है, तो इन्होंने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस स्टार्ट करी है। इन्होंने कहा कि इनका जो एम्स है इनका ऋषिकेश के अंदर, और इस ऋषिकेश के 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है और उसको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है फटाफट, तो उसको फिर ये जो हेलीकॉप्टर है उसके सहारे लेके आ जाएंगे, है ना, और हेलीकॉप्टर से उनको जो है सर्विसेज मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। हेलीकॉप्टर जैसे है क्या उत्तराखंड के अंदर, क्या प्रॉब्लम है कि उत्तराखंड के अंदर जनरली यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से क्या तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर पहुँच नहीं पाती। उस वजह से जो है इनको रोकने के लिए इन्होंने जो है ये चीज़ स्टार्ट करी है कि भाई आपको हेलीकॉप्टर के सहारे जो है मेडिकल सर्विसेज मिल जाए। एयर टैक्सी किसने स्टार्ट करने की बात करी अभी, दुनिया की पहली, दुबई, ये भी ध्यान रखना। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, एम्स ऋषिकेश जो है ना इन्होंने स्टार्ट करा था मेडिसिन डिलीवरी ड्रोन से, मेडिसिन डिलीवरी फ्रॉम ड्रोन, कि मेडिसिन डिलीवरी जो है वो ड्रोन से करने के लिए इन्होंने ट्राई करा था कि भाई डिलीवरी आसपास के रीजन के अंदर जो है ड्रोन से करेंगे मेडिसिन की। ठीक है, वो भी इन्हीं का इनिशिएटिव है, ध्यान रखना। इनका प्रोजेक्ट चल रहा है संजीवनी, उसके तहत ये काम जो है वो करा गया है। उसके बाद में ये बुरहानपुर, नाम सुना है क्या इसका, कहा सुना, फेमस जगह है, मतलब अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है उसको। हाँ पानी से रिलेटेड है, हाँ वही, किसका, घर घर जल नहीं, हर घर जल, हर घर जल मिशन है जल शक्ति मंत्रालय का, हर घर जल। और इसमें इन्होंने कहा पहले 2024 था पर अब बढ़ा के 2025 कर दिया है, 26 कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हर घर के अंदर जो है नल से पानी देंगे आप, टैप वाटर, नल से पानी आएगा, सरकार का टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए जो है सबसे पहला राज्य बना जिसने हर घर जन को 100% अचीव कर लिया, गोवा, सिक्किम ओडीएफ के अंदर है, पहला राज्य गोवा, पहला जिला बुरहानपुर, पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी अंडमान एंड निकोबार, सॉरी दमन दीव, ठीक है। परसों की खबर है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य जिसने हर घर जल मिशन को कंप्लीट अचीव कर दिया है वो बना है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर्स है उसके अंदर से अरुणाचल प्रदेश वो राज्य बन गया जिसने हर घर जल मिशन को अचीव कर लिया 100% वहां पे। पर न्यूज़ कंटिन्यू करते हैं, बुरहानपुर के अंदर क्या है कि केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे बनाया गया है बनाना फेस्टिवल,
बस इतनी सी बात ध्यान रखना। बनाना फेस्टिवल का मनाया बुरहानपुर के अंदर, ठीक है, बनाना फेस्टिवल मनाया बुरहानपुर के अंदर। ऑरेंज फेस्टिवल का मनाया, ऑरेंज फेस्टिवल मनाया नागालैंड के अंदर। अब काम की बात ये कि ऑप्शन के अंदर आपको नागपुर भी मिल सकता है, पर नागालैंड के अंदर बनता है ऑरेंज फेस्टिवल। लेवेंडर पर्पल है, चलो ये अभी बता दूंगा, अभी बहुत सारे फेस्टिवल लिखवा दूंगा तुमको सारे। गोवा का है पर्पल फेस्टिवल। तो एमपी के बारे में कुछ बातें लिख लेते अपन। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर है ना, मध्य प्रदेश ने भी कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, तो अपन एक बार वापस देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बातें जो काम की है और जो अभी रिसेंट में हाईलाइट में रही। एक तो अपन ने पहले बना रखा स्टेट चार्ट, वो नहीं बना रहा वापस में, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अपन ने नहीं पढ़ी। मध्य प्रदेश ने कहा कि अब जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें से एक दिन ऐसा डिनोट कर दिया जाएगा जिस दिन बच्चा बैग लेके नहीं आएगा, जिसको अपन अपने राशन में नो बैग डे बोल रहे हैं, वैसा इन्होंने कहा है कि बैगलेस, इन्होंने कहा बैगलेस स्कूल जो है उसको प्रमोट करा जाएगा, जहां पे बैग्स जो है वो नहीं होंगे, बैगलेस स्कूल जो है प्रमोट करने के लिए कहा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा फेमस है एक डांस फेस्टिवल होता है, उसका नाम है खजुराहो डांस फेस्टिवल। अब ये जब भी खजुराहो आएगा तो आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है ना, तो अपन इसको लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि इस बार इसका 50वां संस्करण था, इस डांस फेस्टिवल का 50वां संस्करण हुआ है अभी, 50th एडिशन जो है वो इस डांस फेस्टिवल का हुआ है, ठीक है। सरकार ने देखा कि भारत की जनता हो गई चटोरी, स्ट्रीट फूड खाती रहती है, तो उन्होंने कहा हम तुमको ढंग का खिलाते हैं, तो उन्होंने स्ट्रीट फूड खोल दिया जिसका नाम है प्रसादम। कहाँ पे खोला, जगह कहाँ, प्रसादम नाम से इन्होंने फूड स्ट्रीट खोली है पूरी, 17 दुकानें हैं। कहाँ पे, उज्जैन के अंदर। महाकाल का मंदिर देखने जाओ तो उसके पीछे महाकाल लोग बनाया भी नया, उसी के अंदर सरकार ने खोला है भारत का पहला फूड स्ट्रीट, भारत सरकार का खुद का, प्रसादम नाम है उसका, ध्यान रखना, ठीक है। एमपी ऐसा राज्य बन गया है जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है, वुमेन रिजर्वेशन है 35%। नौकरी वोकरी करनी हो तो मध्य प्रदेश के अंदर 35% रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में पैरालंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स के अंदर भारत 111 मेडल लेकर आया था, 111 मेडल है पैरालंपिक्स के अंदर। तो फिर हमको लगा कि यार पैरालंपिक्स भी एक अच्छा सेक्टर है जहां पे हम ग्रो कर सकते हैं, तो हमारे पास में जो है ट्रेनिंग सेंटर नहीं है फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग लोगों के लिए, हमारे पास में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो हम एमपी के अंदर खोल रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांग लोगों के लिए हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, हाईटेक स्पोर्ट्स, भारत का पहला फिजिकली हैंडीकैप लोगों को डेडिकेटेड है बस हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, जिसका नामकरण होगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, ये भी ध्यान रखना, अटल बिहारी के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नामकरण करा जाएगा, भोपाल के अंदर खुल रहा है ये बेसिकली। एमपी के अंदर एक जगह है दमोह, दमोह के अंदर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। चलो टाइगर रिजर्व से एक और बात आई मेरे को याद, एमपी का एक टाइगर रिजर्व अभी काफी चर्चा में था, कौन था, पेंच, कूनो के पेंच, कूनो टाइगर रिजर्व नहीं भैया, पेंच क्यों था, नाइट सफारी नहीं बन रही, नाइट स्काई सफारी बन रही है, आसमान दिखाएंगे तारे दिखाएंगे कुल मिला के, नाइट स्काई सफारी बन रही भारत की पहली यहां पे, क्योंकि अंधेरे में क्या है कि जितना अंधेरा होगा तारे उतने ज्यादा अच्छी तरीके से दिखते हैं, तो यहां पे काफी अंधेरा है। तो पेंच के अंदर बन रही, दो राज्यों के अंदर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों में आता है पेंच, एक नदी बहती है पेंच, उस वजह से इसका नाम पड़ गया पेंच। ये कुछ एमपी की बातें जो अभी रिसेंट में न्यूज में थी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो अपन ने बहुत सारी बना रखी है ऑलरेडी एमपी की, तो वो वहाँ पे या तो वहाँ पे अपडेट कर दो या यहाँ अपडेट कर दो।
हटा दूं? लिख लिया? ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, बुरहानपुर के अंदर बनाना फेस्टिवल मन रहा है अभी। उसके बाद में रायसीना डायलॉग, देखो है क्या इसके अंदर, मैं बताता हूँ। हर साल क्या करते हैं मोदी जी या प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं और जो वैश्विक मुद्दे, जो ग्लोबल मैटर्स चल रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। उसके लिए होता क्या है कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो है ये मीटिंग होती है पूरी, और वो है रायसीना हिल के ऊपर, इसलिए इसका नाम पड़ गया रायसीना डायलॉग। इसका हुआ 9th एडिशन और चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है ग्रीस के प्रधानमंत्री, इनका नाम है क्रियाकोस। बस इन तीन बातों को ध्यान रखो, दूसरी कोई बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तुम तो ये बताओ ग्रीस न्यूज में क्यों था अभी? धन्यवाद। सेम सेक्स मैरिज अभी इसने अलाउ कर दी ग्रीस ने, है ना, ये ध्यान रखना। और पहला देश जिसने अलाउ करी कब? 2001। अपने किसी पड़ोसी देश ने करी है अभी? नेपाल में हुई है अभी। अलाउ कर दिया ना, मतलब लीगल नहीं है, अलाउ कर दिया, हो गई शादी, तो हुई है ना भाई। ठीक है, चलिए। उसके बाद में अगला है हिमालय बास्केट, एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था 2018 के अंदर, जो वहां के एंटरप्रेन्योर सुमित और स्नेहा ने इसको स्टार्ट करा था। इसके अंदर क्या है, तो लोकल फार्मर से प्रोडक्ट लेके उनको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उसको आउट ऑफ इंडिया बेचा जाता है, भयंकर डिमांड में चलते हैं प्रोडक्ट। तो पहले बीच में बंद था, वापस में स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है, तो बेसिकली ये जैसे मिल्क, टर्मरिक, मिंट, ये लोकल फार्मर से लेते हैं और उसके बाद में उसको हाई डिमांडेड प्रोडक्ट जैसे चुरपी, चुरपी जो है एक हार्ड वो होता है पनीर, वो प्रोसेस करके बनाया जाता है। अब इसकी क्या डिमांड ज़्यादा है, तो ये उसको प्रोसेस करके बेचते हैं। उससे हो क्या रहा है कि फार्मर की भी इनकम बढ़ रही है और स्टेट की भी इनकम बढ़ रही है। तो बीच में ये बंद था, पर अभी रिसेंट के अंदर जो है इसको वापस पुष्कर सिंह धामी ने चालू कर दिया है हिमालय बास्केट को। उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ये लेके आ गई है मराठा रिजर्वेशन बिल, और ये बिल जो है वो पास हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। और जैसे ही बिल पास हुआ, इनके यहाँ पे रिजर्वेशन 50% को क्रॉस कर गया है। ठीक है, कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया है मराठों को, तो 10% रिजर्वेशन दिया है ऑलरेडी। इनको जो है रिजर्वेशन दे रखा था बहुत जगहों पे, जैसे ओबीसी का, कुछ ओबीसी में आ रहे थे मराठा, कुछ ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे थे, तो ऑलरेडी 10% ईडब्ल्यूएस का चली रहा है स्टेट के अंदर, पर इनको और 10% एक्स्ट्रा जो है वो दे दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है इनको रिजर्वेशन दिया है, और उस कमेटी को जो हेड कर रहे थे उनका नाम है, चेयरमैन जो थे वो थे सुनील शुक्रे। इस कमेटी की रिजर्वेशन की, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनका रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाया गया है। आते मराठों के अंदर ही है, सिंधिया विंधिया से मराठी तो हैं सारे सारे। होलकर, होलकर, होलकर इंदौर, इंदौर वाले होलकर के, एक मराठा यूनियन बनी थी पहले, उसमें इन्होंने ना पूरे भारत को बांट दिया था। उसमें जो होलकर है, होलकर जो थे इनको दिया था इंदौर, सिंधिया जो थे सिंधियाओं को दिया था ग्वालियर, गायकवाड़ जितने भी हैं गायकवाड़ों को दिया था बड़ौदा, भोंसले जो हैं भोंसलों को दिया था नागपुर, और छत्रपति जो थे ये तो सतारा चले गए थे, और ये बाजीराव वाले जो है ये पुणे के अंदर थे। ऐसे करके उन्होंने मराठा यूनियन बनाई थी पूरी।
ठीक है, उसके बाद में ठीक है, देखो चार दिन का एक ट्राइबल फेस्टिवल मनाते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल का नाम है समक्का सरलम्मा। कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना के अंदर मनाते हैं। माँ बेटी हैं ये दोनों, इनको न्याय मिला नहीं तो इन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को याद करते हुए चार दिन का फेस्टिवल मनाते हैं तेलंगाना के अंदर। पर अब हुआ क्या है कि ये फेस्टिवल क्योंकि ट्राइबल फेस्टिवल है और सारी ट्राइब मनाना स्टार्ट कर दी तो बहुत बड़े लेवल पर अब ये फेस्टिवल बनाने लगा। ट्राइबल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये झारखंड, ये सब इस फंक्शन को जो है सेलिब्रेट करती है। और अब तो प्रेसिडेंट भी ट्राइबल से ही हैं तो द्रौपदी देवी मुर्मू जो है वो खुद इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, मतलब वो खुद आएंगी इस फेस्टिवल के अंदर। तो फेस्टिवल थोड़ा फेमस हो गया है। देखो ये लिखा हुआ इसके अंदर, मेदाराम जात्रा कमरेड्स द फाइट फॉर द मदर एंड डॉटर समक्का सरलम्मा अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। तो उनकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अदर फेस्टिवल जो अपन लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले अभी हमने पढ़ा बनाना, बी से बनाना और बी से ही बुरहानपुर। बुरहानपुर, बुरहानपुर, फिर उसके बाद में पढ़ा हमने बनाना, बनाना के बाद में पढ़ लिया ऑरेंज, ऑरेंज का नागालैंड, नागालैंड के अंदर एक और बड़ा फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल, ध्यान रखें। बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल, पर्पल कहां पे? गोवा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बंगस वैली, बंगस वैली फेस्टिवल, ये कहां पे मनाते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर दो फेस्टिवल और ध्यान रखें आप, एक तो लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, और एक ध्यान रखना सरस मेला। लेवेंडर फेस्टिवल और सरस मेला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में एक फेस्टिवल नोरोज, किसका है ये? पर्शियन लोगों का, पर्शियन फेस्टिवल है, ध्यान रखना है ना, पारसी लोगों का फेस्टिवल है नोरोज। एक अपने पढ़ा था मक्खन फेस्टिवल यानी बटर फेस्टिवल, होली खेलते हैं बटर से, पहले गोबर से खेलते थे पुराने टाइम के अंदर, फिर धीरे करके चीजें चेंज हुई और फिर उसको कहा कि यार गोबर वोबर से नहीं खेलेंगे तो फिर बोले मक्खन ले आओ, तो मक्खन से खेलते हैं। उत्तराखंड, अंडोराई करके एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, बटर फेस्टिवल बोलते हैं, होली खेलते हैं बटर से, उत्तराखंड के अंदर है। एक फेस्टिवल नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा। एक फेस्टिवल ये आपको पता होना चाहिए, देखो ये बोले ध्यान होनी हो पर ये ध्यान रखना, बोनालू, समझ गए, वो चावल जैसा बनाते हैं मंदिर के बाहर औरतें बैठ के, बहुत बड़े लेवल फोटो दिखाई दी, कहां पे? गाले गाले में क्या बनाएंगे, बरसात होती रहती वहां तो। बहुत फेमस फेस्टिवल है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर एक फ्लावर फेस्टिवल भी बनता है बहुत बड़े लेवल पे, मंदिर ये जो चौराहे हो रहा है वहां पे मंदिर बना, वो बनाए जाते हैं फ्लावर के, बहुत बड़े बड़े टावर टाइप के, पता है? बोतुकम्मा,
बथुकम्मा फेस्टिवल, तेलंगाना का एक फेस्टिवल और है ध्यान रखना, बथुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल है ये। बथुकम्मा ध्यान रखना, जो एक लिख लेना बिहू आसाम लिख लेना ना, एक बिहू का है आसाम का एक फेस्टिवल, जो आप ध्यान रखें। हिंदी वाले चाहे तो प्रकाश स्तंभ उत्सव लिख ले, इंग्लिश वाले लाइट हाउस फेस्टिवल। सरकार क्या कर रही है, लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और लाइट हाउस फेस्टिवल बनाया गया भारत में पहली बार, कहां पे? गोवा के अंदर। लाइट हाउस टूरिज्म, लाइट हाउस फेस्टिवल, या आप कहें इसको प्रकाश स्तंभ उत्सव। ये गोवा के अंदर बनाया ना लाइट हाउस फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है लाइट हाउस वाला। तो हटा दूं मेरे बाद में क्लास, ठीक ठीक है। उसके बाद में अगली न्यूज है एक शुगर केन को लेके, और शुगर केन की जो फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस जो है FRP उसको बढ़ा दिया है सरकार ने, और इस वाले सीजन के लिए जो है 340 रुपए कर दिए एक क्विंटल के, जो कि पहले हुए करते थे 315, तो इसके अंदर जो है इंक्रीज करा है। अब इसको इंक्रीज करने से जो है काफी ज्यादा फायदा हो गया है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को। इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि ये देखो, जब तुम अभी क्या है, जब तुम सब्जेक्टिव पेपर लिखोगे ना, सब्जेक्टिव पेपर, और उसमें अगर तुम्हारे पास ज्योग्राफी आएगा तो ज्योग्राफी में क्या है, जनरली मैप्स बनाने पड़ते हैं, और मैप बना के बताओगे ना। जब मेरे को अगर नर्मदा नदी के बारे में कोई क्वेश्चन होगा ना, अगर इन केस एक क्वेश्चन आया, जैसे सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं साइड में एक डायग्राम बनाऊंगा ऐसा छोटा साइड में, जिसमें नर्मदा नदी बताऊंगा और यह बताऊंगा कि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, यहाँ पे ही है। वो थोड़ा क्या इंप्रेसिव लगता है, लिखने को मैं डायरेक्ट लिख दूँ पर नंबर नहीं मिलेंगे ना, इसलिए डायग्राम बनाना पड़ता है। और इसलिए हैबिट ऐसी बनाई है कि ये 2-3 सेकंड के अंदर इंडिया ऐसा बन जाए कि सामने वाला देख के समझ जाए कि ये भारत है। इसलिए अब जम्मू कश्मीर से तो मैं थोड़ा प्यार है, इसलिए वो हार्ट जैसा बन जाता है पहले मैंने कोशिश करी थी वैसा बनाने की ना, ये ऐसे करके जो ऐसा बनता है ये, पर वो बना ही नहीं मेरे से, फिर वो बहुत टाइम लगता है, फिर वो मिटाओ बार बार, इससे अच्छा है कि जी। ठीक है, दो राज्य, एक है महाराष्ट्र और एक है UP। काम की बात ध्यान से सुनना, शुगर केन की बात कर रहा हूँ। अगर शुगर केन यानी गन्ना आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उगता कहाँ पे ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन यूपी के अंदर है, पर प्रोडक्टिविटी के अंदर महाराष्ट्र है। यानी उस शुगर केन से बनने वाली शक्कर जो भी बन रही है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर बनती है। ठीक है, कारण क्या है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है, वहाँ की सरकार कहती है कि आपको जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज है वो शुगर केन प्लांट के पास में होनी चाहिए। अगर आप प्लांट के पास में लगाते हो तो आपको सब्सिडी और बहुत ज़्यादा देती है सरकार महाराष्ट्र की।
उससे होता क्या है कि शुगर केन ऐसा प्लांट है कि कटने के 24 घंटे के अंदर वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। अगर प्रोसेस नहीं होगा तो उसके अंदर का पानी सूखना स्टार्ट हो जाएगा, और शुगर केन का पानी सूखा तो उसके बाद में वो फिर वैसे कोई काम का निकलता नहीं है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री दूर है, वहाँ पे शुगर केन को काट के ट्रैवल करवाना पड़ता है शहर लाने के लिए। उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो सूख जाता है शुगर केन का, तो प्रोडक्टिविटी उतनी निकल के नहीं आती। प्रोडक्शन भले ही वहाँ पे ज़्यादा है पर प्रोडक्टिविटी वाइज जो है वो महाराष्ट्र ज़्यादा है। महाराष्ट्र पे नंबर पे ध्यान रखना। शुगर केन प्रोडक्शन के अंदर दुनिया की अगर अपन बात करें तो भारत का रहेंगे, अभी 10th बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन था ये वाला, तो शुगर केन के अंदर प्रोडक्शन के अंदर भारत का रहेंगे पहला, और दूसरे पे चला गया ब्राजील। पहले ब्राजील पहले नंबर पे हुआ करता था किसी समय, चाइना है ही नहीं। एक यही मैंने क्रॉप देखी है जिसमें चाइना है, चाइना की सरकार है ना कम्युनिस्ट सरकार है, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, तीन तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट। यूएस कैपिटलिस्ट है, चाइना कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट के अंदर क्या होता है कि जितने लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंसिंग स्टार्ट कर रखी है, तो वो है।
ठीक है। उसके बाद में दुनिया की हाईएस्ट फ्रोजन लेक के ऊपर भी मैराथन हुई है और लेक का नाम है पेंगोंगसो लेक लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। और पेंगोंगसो लेक है, इस बार जम गई तो यहाँ पे मैराथन कराई गई, एक 10 किलोमीटर की और एक 21 किलोमीटर की। और इस लेक का नाम, इसका जो टाइटल रखा गया उसका नाम है थ्रिएस्टन। थ्रिएस्टन का मतलब कि क्या पता अगली बार ये लेक जमे नहीं और ये लास्ट रन हो इस बार। ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू चल रहा है, आपने देखा इस बार बर्फ पड़ी नहीं दिसंबर में, हर बार न्यू ईयर पे बर्फ पड़ती है। जैसे कश्मीर के अंदर इस बार बर्फ पड़ी नहीं, गुलमर्ग वाला एरिया पूरा खाली पड़ा होता न्यू ईयर पे, क्योंकि बर्फबारी हुई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, क्या पता अगली बार ये बर्फ जमे नहीं जमे, ये झील जमे नहीं जमे, इसलिए इस बार जमी तो उन्होंने कहा कि भैया फटाफट मैराथन करवा लो। विंटर काम की बात ये, भारत के अंदर सबसे हाइट पे फुटबॉल ग्राउंड यहीं पे ही है लद्दाख के अंदर। भारत की सबसे ऊंचाई वाली हवाई पट्टी भी यहीं पे ही है, एयर स्ट्रिप। और अभी इन्होंने महिला पुलिस थाना खोला है, कहाँ पे? लेह में। तुम तो मुझे बताओ कि उस महिला थाने का नाम जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है, भोपाल महिला पुलिस थाना, जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है, भारत का एकमात्र थाना है अभी तक जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये वो लेक जिस पे भाग रहे हैं, देख लो तुम, है ना, ये मैराथन की फोटो है, पेंगोंगसो लेक है। उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सांप अभी पकड़ा जा चुका है, जिसका एनाकोंडा सांप है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट से मिला है, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी, भारत, पूरी दुनिया को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसका 20% अकेला यही दे देता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। RAS प्रीलिम्स 2023 का सवाल है ये, जो मैंने बताया अभी, आप 20% जो है फुलफिल करता है ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। पूरी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसका 20% अकेला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देता है। ये क्वेश्चन पूछा अभी RAS के अंदर कि कितने परसेंट जो है ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट करता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो 20%, ठीक है। यहाँ पे मिला है सांप, सांप की लंबाई है 7.5 मीटर और वजन है कुछ 500 किलोग्राम के आसपास, ठीक है। न्यूज़ आपने पढ़ ली होगी शायद, फोटो भी देखी होगी, पर ध्यान रखना फोटो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करी है, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करा। वीडियो जिसमें वो ड्राइव कर रहा साथ में, वो एडिटेड वीडियो है, कुछ भी नहीं है इसका, इस सांप की कुछ भी वीडियो जारी नहीं करी। या तो किसी मूवी का सीन होगा या वो एक डाइविंग का एक वीडियो है जो सांप के साथ में डाइव कर रहा है ना, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है इसका, नहीं है मतलब, वो है ना, वो तो क्या है कि एकदम कुछ न्यूज़ चलती तो फिर सांप की चीज़ हाईलाइट हो जाती। अपन ने भी रेफरेंस इमेज लगाई है कि कुछ ऐसा सांप होगा, पर है नहीं, है नहीं वो, है ना, जी ध्यान रखना ऐसा ही है, वो मोटा सा होगा 7.5 मीटर 500 किलो, ठीक है। उसके बाद में ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, देखो हुआ क्या है। तो यूपी सरकार जो है यूपी के अंदर खोल रही है टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब दो चार बातें ध्यान से सुनना, पहला उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, अब टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व खुल रहा है तो कहाँ खुल रहा है, तो यूपी की एक जिला है गोंडा जिला, उसके अंदर खुल रहा है, गोंडा जिला के अंदर खुल रहा है। गोंडा जिला के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है सरजू रिवर, इस नदी के किनारे खुलेगा ये पूरा, क्योंकि टर्टल जो है पानी के हैं तो इस वजह से जो है सरजू रिवर के अंदर खुल रहा है। यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको टर्टल देखने को मिलेंगे यूपी के अंदर। सरजू रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, ये भी ध्यान रखना। तीन बातें, यूपी के अंदर खुल रहा है, गोंडा में खुल रहा है, सरजू रिवर जो है इसके किनारे खुल रहा है, और सरजू रिवर जो है ट्रिब्यूटरी घाघरा रिवर की, ठीक है। इसके बाद अब मैं तुम्हें बातें लिखाता हूँ इसके काम की, खोल कौन रहा है इसको, मदद कौन कर रहा है, तो किसकी हेल्प से खुल रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है इसको खुलने में टर्टल सर्वाइवल अलाइंस है नाम,
टर्टल अलायंस, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया, ये मदद कर रहा है खुलने के अंदर, इसके बिहाफ ये हेल्प कर रहा है खुलने के अंदर, इसकी हेल्प से जो है वो खुल रहा है। हम मनाते हैं टर्टल डे, कछुआ दिवस या टर्टल डे 23 मई को, ठीक है 23 मई को मनाया जाता है भारत के द्वारा कछुआ दिवस। कुछ कंजर्वेशन रिजर्व जो भी रिसेंट में खुले हैं और भारत के अंदर पहली बार खुले हैं उसके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे अभी रिसेंट में बड़ा फेमस है डुगोंग, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, हिंदी वाले डुगोंग संरक्षण केंद्र है ना, कंजर्वेशन रिजर्व मतलब संरक्षण केंद्र। अब डुगोंग कौन सा जानवर है, तो पानी का जानवर है, जलीय जीव है, देखने में एकदम डॉल्फिन जैसा दिखता है पर आगे से मुंह काफी लंबा सा होता है, इसलिए इसको जो है इसकी पानी की गाय भी बोलते हैं, काउ ऑफ वाटर भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। डुगोंग एक जानवर है, एक्वेटिक एनिमल है, ध्यान रखना। इसका कंजर्वेशन रिजर्व खुला है हमने तमिलनाडु के अंदर, ठीक है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में एशियाई किंग वल्चर यानी गिद्ध, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये खोला है महाराजगंज यूपी, महाराजगंज यूपी के अंदर गिद्ध का है ना, गिद्ध का संरक्षण खुला है। एक हमने घास का खोला, घास ग्रास, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, ये खुला रानीखेत के अंदर। रानीखेत कहाँ है भाई, रानीखेत एक्सप्रेस गाड़ी जाती है, ट्रेन भी आती है। कहीं तो होगा, बताओ बताओ ऑप्शन दो। अरे बड़ी फेमस थी, तुमने मूवी नहीं देखी क्या, राजा हिंदुस्तानी, पूरी पिक्चर रानीखेत की तो शूट है। टूरी डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन टाइप वाला एरिया, घास ही घास के मैदान है। और मैं तुमको बताऊं, 1920 मूवी देखी तुमने, भूत जो ओरिजिनल, ठीक है रानीखेत उत्तराखंड के अंदर एक शहर है बड़ा फेमस सा, तो मालूम है ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड की बात कर रहे थे अपन 2023 का, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इस बार का 2023 का मिला आलिया मीर को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला आलिया मीर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर की है ये, वैसे तो नहीं पूछेंगे आपसे इतना,
पर ये ध्यान रखें जम्मू कश्मीर की है। खड़ा दू ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला है भागलपुर बिहार के अंदर। टर्टल की बात चली तो एकदम ध्यान आया, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर भागलपुर बिहार यहां पर खुला है ना। उसके बाद में ये लास्ट टाइम पे अपन न्यूज पढ़ी थी कि अभी रिसेंट के अंदर एक मीटिंग हुई है जो हमारी मत्स्य पालन मिनिस्ट्री है उन्हीं की हुई है, और फिशरीज मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने कहा है कि अगर कोई मछुआरा एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। इतना ही ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है ठीक है। किसी मछुआरे की अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पहले 1 लाख रुपए मिलते थे केंद्र सरकार के द्वारा, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिए। ये लास्ट वीक की न्यूज है, मतलब उसमें आई वी शीट के अंदर। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट एक और, 3 दिन का इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्ट हो रहा है कोलंबो के अंदर। कोलंबो का श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। चलिए तो फिर कुछ गीता महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, हिंदी वाले महोत्सव लिखे, इंग्लिश वाले फेस्टिवल लिखे, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल ठीक है। कब से बनना स्टार्ट हुआ तो 1999 से इसको बनाना स्टार्ट करा ठीक है, पर इसको पहले इतनी मान्यता नहीं थी। हमने इसको नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय उत्सव यानी नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव की मान्यता दी 2009 के अंदर, 2002 के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मान्यता दी कि भाई इंटरनेशनल फेस्टिवल है 2016 के अंदर ठीक है। इंटरनेशनल फेस्टिवल बना 2016 के अंदर, नेशनल फेस्टिवल बना 2002 के अंदर। पहली बार बनाया गया 2019 के अंदर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल पहली बार बनाया 2019 के अंदर, कहां पे तो मॉरिशस, और इतना फेमस हुआ कि 2019 के अंदर ही लंदन के अंदर भी बना दिया। 1999 से बनाना स्टार्ट कर दिया था पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, रिकॉग्नाइजेशन इसको दी हमने 2016 के अंदर जाके ठीक है। 2023 गया है, 2023 का इंटरनेशनल फेस्टिवल गीता फेस्टिवल कहां मना है तो ऑस्ट्रेलिया, और 2024 का बन रहा है श्रीलंका। थोड़े टाइम पहले भी तो बना था अपने गीता फेस्टिवल कहीं हुआ है भारत में, कहां पे इंडिया में कहूंगा गीता फेस्टिवल। ध्यान रखना दिसंबर 2023 के अंदर भारत में भी एक गीता फेस्टिवल मनाया गया है दिसंबर 2023 के अंदर, कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र का नाम पता है क्या होता है यहाँ पे? महाभारत। क्या हो गया मेरे से पूछना है यार, वो दूना पढ़ा रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा ठीक है। इंटरनेशनल गीता पार्क बनाया है हमने, इंटरनेशनल गीता पार्क जहां पे पार्क के अंदर गीताओं के श्लोक लिखे हुए हैं, उनके जो है कहानियां लिखी हुई गीता की, मतलब वो टीचिंग्स लिखी हुई है। कहां पे तो ब्रैम्पटन, कहाँ है ब्रैम्पटन, कनाडा के अंदर ठीक है। ये ध्यान रखना इंटरनेशनल गीता पार्क का बनाया है ब्रैम्पटन कनाडा के अंदर, और गांधी पीस प्राइज दो एग्जामों के अंदर देख चुका हूँ सवाल ये वाला तुम्हें, एक तो उसके अंदर था यूपी का भी पेपर हुआ एआरओ उसके अंदर भी सवाल था ये वाला। गांधी पीस प्राइज
2021 का है पर दिया 2023 में है, किसको दिया भाई बताओ, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, पूछा हुआ पेपर के अंदर, गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार। गीता के बारे में पढ़ रहा तो गीता संबंधित ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है। गीता प्रेस गोरखपुर, नाम सुना है? स्पिरिचुअल जितनी भी किताबें आती है यहीं की आती है, ऑथेंटिक। अगर आपको ओरिजिनल किताब पढ़नी है तो वो सब यही छापते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। 1,00,000 ध्यान रखना भाई, गांधी गांधी गीता प्रेस गोरखपुर, गांधी शांति पुरस्कार। अरे ये लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिए थे, अब 23 में दिया 21 का। हटा दूं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में शाहरुख खान को अवार्ड दिया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड बटे हैं। अब देखो इसके अंदर दो चार बातें यही सुन लेना। शाहरुख खान को अवार्ड दिया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मूवी का नाम है जवान, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड दिया है विक्की कौशल को सैम बहादुर। जवान देखो मत देखो पर सैम बहादुर जरूर देखना अगर नहीं देखी तो। ये कुछ मूवियां हैं जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ, उसमें से एक मूवी ये है जो आपको देखनी चाहिए, जो अच्छी पिक्चर बनाई है। ठीक है, बॉबी देओल को दिया है एनिमल मूवी के लिए, संदीप रेड्डी वेंगा जो डायरेक्टर है एनिमल के, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को और नयनतारा को, नयनतारा को मिला है जवान के लिए और रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आपने कहानी सुनी होगी जिसके अंदर उसके बच्चे की कस्टडी को लेकर केस हो जाता है, रियल केस है, काफी फेमस केस रहा वो, 2012-13 की बात है, जो रानी मुखर्जी ने उनका रोल प्ले करा था वो। इसमें लिखा हुआ नहीं है पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेस्ट मूवी का अवार्ड जवान को दिया है, बेस्ट मूवी जवान। अब क्योंकि आप इसके अंदर पढ़ोगे कि दादा साहब फाल्के जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, यानी इंटरनेशनल है तो मतलब फिर इंटरनेशनल मूवी को भी अवार्ड देना पड़ेगा, और इंटरनेशनल मूवी जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट इंटरनेशनल मूवी, मूवी गई है ओपनहाइमर। देखी? नहीं देखी तो देखना इसको, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, वैसे ही बहुत कम बनाता है पिक्चर है पर बेहतरीन बनाता है। ठीक है, ओपनहाइमर नहीं देखी तो देखना, मजेदार पिक्चर है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। ये नहीं तो टेनेंट देखना, टेनेंट भी बेहतरीन है। क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर देखनी चाहिए इंसान को, मालूम पड़े तुम्हें कि पिक्चर है बंदी कैसी है। हाँ इसी में मिला है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं उसमें, उसको भी मिला है। एक और चीज ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला वहीदा रहमान को, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मुझे एकदम अचानक याद आया तो मैंने आपको बता दिया। वहीदा रहमान एक बड़ी फेमस सी हीरोइन है, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, यह ध्यान रखना।
खड़ा हूं। उसके बाद में बैंकिंग आ गई। अपन ने पढ़ा एफडीआई के बारे में, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम फिर एफडीआई बोलते हैं, ये सब अपने बात करी। कोई यूएस की कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे एफडीआई है हमारे लिए आ रही है। तो अगर कोई इंडिया की कंपनी है जो यूएस में इन्वेस्ट कर रही है तो इसको हम, ये तो हो गई हमारे लिए इनवर्ड एफडीआई और ये हो गई हमारे लिए आउटवर्ड एफडीआई। जो इंडिया की कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही है ना उसको बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। और आउटवर्ड एफडीआई का जो है इस बार इंक्रीज देखने को मिला है, पिछले साल की तुलना में 25.7% का इंक्रीज है, $2.1 बिलियन का। और अगर आप बात करें दिसंबर से तो दिसंबर से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, $2.5 बिलियन जो है वो रहा है, ठीक है। टोटल एफडीआई, एफडीआई के बेसिकली तीन पार्ट इन्होंने बताए हैं, इक्विटी, लोन और गारंटी। जिसमें इक्विटी वाला जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ गया है जनवरी के अंदर, है ना, वो हो गया है $760 मिलियन जो कि जनवरी के अंदर था 2023 वाले जनवरी के अंदर, कंपैरिजन ईयर $597.4 मिलियन। और अगर आप बात करो गारंटीज की तो जनवरी के अंदर जो है ओवरसीज गारंटी यूनिट इंक्रीज हुई है $1.02 बिलियन जो कि $854 मिलियन हुआ करता था जनवरी 2023 के अंदर। और डेब्ट कमिटमेंट जो हमारा डेब्ट का जो कमिटमेंट है वो भी कंटिन्यू बढ़ गया है और वो हुआ है $306 मिलियन जनवरी के अंदर। उसके बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएचएआई की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इन्होंने कह दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को कि आप फ्रेश फास्टैग अब इशू नहीं कर सकते, आपके पास में पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग है तो उसमें मनी लोड नहीं कर सकते, है ना, और 15 मार्च के बाद में फास्टैग यूज होगा भी नहीं। आपको फास्टैग लेना है तो केवल 32 ऑथराइज बैंक है जिनको मान्यता दे रखी है और उन बैंकों से ही आप जो है ले सकते हो फास्टैग। उसमें से अब इन्होंने इसको हटा दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, ठीक है। तो अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में है फास्टैग तो 15 मार्च लास्ट डेडलाइन दे दी है। पेटीएम का करवा लेना वरना फिर डबल चार्ज पे करने पड़ेंगे आपको टोल टैक्स के ऊपर। फास्टैग से पेमेंट नहीं करते तो फिर डबल चार्ज लगता है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड, बेहतरीन सी चीज़ है, समझाता हूँ ढंग से, देखो क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा चीज़ समझना है इसके अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है क्या नहीं है, देखो बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने आके इसको इंट्रोड्यूस करा 2018 के अंदर। इन्होंने कहा कि क्योंकि पैसे पार्टियों को चंदे के रूप में इतने आते हैं कि ये पार्टियां क्या करती है कि उन चंदों के पैसों का मिसयूज करती है और मालूम ही नहीं पड़ता कि कितना पैसा कौन दे रहा है क्या कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि काम सारा एक नंबर के अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, एक नंबर में कैसे काम होगा, तो उन्होंने कहा अब बैंक के माध्यम से पैसा दिया जाएगा चंदे के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है साहब कैसे दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा सपोज करो कोई पर्सन है एक्स, इस एक्स पर्सन को बीजेपी को चंदा देना या किसी भी पार्टी को चंदा देना 1,00,000 रुपए, अपन 1,00,000 चंदा मान के चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सीधे अप्रोच करेगा बैंक को। बैंक कौन सा, केवल SBI और कोई भी नहीं, केवल SBI बैंक इसको अप्रोच करेगा फिजिकली, डिजिटली कोई काम नहीं है, ऑनलाइन कुछ काम नहीं है, आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। बैंक जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हो। बैंक से जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करोगे उसके जो मल्टीपल है वो इस तरीके के हैं कि 1,000 का है, 10,000 का है, 1,00,000 का है, 10,00,000 का है, 1,00,000 का है। जैसे आपको 5,00,000 रुपए का लेना है बॉन्ड तो 1,00,000 के 5 ले लो। आपने कहा कि मैं तो 3,500 रुपये पेमेंट करूंगा, चंदा में 3,500 रुपये दूंगा, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि 500 का मल्टीपल नहीं है, या तो 3,000 या 4,000, समझ गए ना, 1,000 का मल्टीपल है तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे दे सकते हो, ठीक है। इन्हीं मल्टीपल के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट होंगे। आपने लिया SBI को दिए 1,00,000 रुपए कैश अकाउंट से, जैसे भी आपने पे करा, SBI ने आपको 1,00,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दे दिया। अब ये बॉन्ड लेके आप गए कहां पे,
पार्टी ऑफिस, यहाँ पे भी आपको खुद को जाना पड़ेगा पार्टी ऑफिस। पार्टी ऑफिस आप गए, पार्टी ऑफिस में आपने जाके दिया, बोले साहब ये मेरी तरफ से चंदा 1 लाख रुपए का, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। अब पार्टी ऑफिस क्या करेगी इसको, इनके पास में टाइम है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम कर ले। रिडीम कैसे, कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जाए बैंक के पास में, उनको बैंक को देवे कि साहब ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए दे दो, या तो आपके अकाउंट पे कर देगी वो, या आपको डीडी बना के दे देगी, जैसा भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कर देगी। सपोज करो चुनाव का टाइम है, इतना भयंकर वर्कलोड है कि भूल गई पार्टी, उसको कैश करवाना, 15 दिन से ज्यादा हो गए। 15 दिन में अगर आपने रिडीम नहीं करा, 15 दिन में अगर आपने रिडीम नहीं करा तो फिर क्या होगा, तो वो जो पैसा है जितना भी अमाउंट जितना भी है वो कहाँ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा पीएम रिलीफ फंड के अंदर। प्रधानमंत्री का भी तो एक अकाउंट है पीएम रिलीफ फंड, अचानक से कहीं बाढ़ आ गई तो वहां पे पैसा दिया जाता है पीएम रिलीफ फंड से। अभी आपने देखा ना पीएम केयर फंड जो खूब चल रहा था, पीएम रिलीफ फंड के अंदर पैसा चला जाएगा अगर आपने 15 दिन में रिडीम नहीं करा तो। ये बेसिक सा प्रोसेस था। इससे हो क्या रहा है कि जितना भी पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सब जो है एक नंबर के अंदर आ रहा है, सबको मालूम पड़ रहा है कि भाई कैसे कैसे पैसा आ रहा है, कहां कहां से पैसा आ रहा है। अब इसके अंदर हुआ क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर, है ना, वो ये बताती है कि किस पार्टी के पास कितना चंदा आ रहा है। उस एडीआर ने एक रिपोर्ट दी और उसने कहा, उस एडीआर रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया, उसने कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड से या इनसे जितना ही पैसा आता है 80% पैसा केवल बीजेपी को आता है। बस इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है, जो भी चंदा आ रहा है, वो 80% पैसा जो है वो केवल बीजेपी को आता है। एक अमाउंट इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि 2022 से 23 के बीच में 680 करोड़ रुपए बीजेपी के पास में आए हैं एक साल के अंदर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो है जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, 20,000 से ऊपर वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को काउंट कराए और उनका अमाउंट आया इतना। इन्होंने कहा अगर आप टोटल ले लो, टोटल अमाउंट की अगर अपन बात करें तो टोटल अमाउंट आया 850 करोड़ रुपए एक साल के अंदर। इसी साल के अंदर टोटल अमाउंट चंदे के रूप में आया 850 करोड़ रुपए। इस 850 में से 720 करोड़ रुपए केवल बीजेपी के हैं, 80 करोड़ रुपए कांग्रेस के हैं, और बाकी 50 करोड़ रुपए जो है वो छुटपुट जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनके हैं। फिर दिमाग में आया कि अपन बॉन्ड एक काम करते हैं, अपन 3-4 जने मिलते हैं, अपन पार्टी बना लेते हैं, फिर ऐसे चंदा लेते रहेंगे चंदा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है, सब कुछ इसके अंदर जो है बेनिफिट्स है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन है, किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेंगे वो पार्टी कैसे डिसाइड करी जाएगी। तो हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, नाम सुना, आरपी एक्ट 1951 सुना होगा, तो फेमस सा एक्ट है। तुम्हें ये पता है कि इंदिरा गांधी का पीएम का जो चुनाव था वो कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से उसने इमरजेंसी लगाई थी, वो इसी की वजह से कैंसिल हुआ था। इसमें एक चीज़ लिखी हुई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना रैली वैली में कहीं जा सकता है। आपके भी पिताजी अगर सरकारी हैं तो देखना वो किसी रैली के अंदर नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि अलाउड नहीं है गवर्नमेंट को। जब इंदिरा गांधी के चुनाव हो रहे थे, पीएम वाले जो इलेक्शन होने वाले थे, उस दौरान उसने क्या करा कि उसने एक जो उनके पीए थे नॉन में, उनको बोला कि आप मेरे साथ में जुड़ जाओ और मेरे साथ में काम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देते ही वो इंदिरा गांधी के साथ में जुड़ गए। उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था, इसका मतलब वो ऑन ड्यूटी चल रहे थे और वो इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर रहे थे। उसको लेके और इंदिरा गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करा है चुनाव के अंदर, और वो आरपी एक्ट 1951 के तहत प्रूव हो गया, और उसी को मान के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया था, और 6 साल के लिए इलेक्शन से डिबार भी कर दिया था कि आप 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। फिर उसने उसी रात को इमरजेंसी लगा दी। तो वो आरपी एक्ट है। इस आरपी एक्ट के अंदर पार्टीज लिखी हुई कि कौन कौन सी पार्टी है, सेक्शन 21A के अंदर, या तो इसमें आप लिस्टेड होने चाहिए, और इसमें अगर आप लिस्टेड नहीं हो तो आपकी पार्टी ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसको वोट 1% वोट मिले हो, जो भी नियरेस्ट लोकसभा का चुनाव गया हो या आपके विधानसभा का चुनाव गया हो, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का चुनाव गया हो, उसके अंदर कम से कम 1% वोट आपको मिले हैं, तो फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ले सकते हो। तो जितने भी एंटी बीजेपी वाले हैं, खास करके बंगाल के, इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, इन सब ने उठा के केस लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 5 जजों की बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि संविधान के बारे में बात आई,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठनी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इस बार हेड करा डीवाई चंद्रचूड ने। केस आया, केस का जो बेस था वो पक्ष ये था कि बैंक बता रहा है कि हमने 720 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदे के रूप में दिए, पार्टी बता रही है कि हमको 720 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आए, पर पार्टी उस एक्स इंसान का नाम नहीं बता रही कि उसने कितने रुपए दिए। जो मैंने आपको बताया ना कि एक्स इंसान जिसने 1,00,000 रुपए दिए उसका नाम नहीं बता रही, इस वजह से उन्होंने केस लगाया। तो फिर बीजेपी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई तो बात सुनेगा, और सरकार की तरफ से केस लड़ा सॉलिसिटर जनरल ने, जिनका नाम था तुषार मेहता, ध्यान रखना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि सर राइट टू प्रिवेसी है, सबको अधिकार है, अगर कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता तो नहीं बताए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पर जो सामने वाली दलील थी उन्होंने कहा कि सर राइट टू प्रिवेसी तो बहुत बात की बात है, हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको जानने का अधिकार है कि सरकार के पास में पैसा आ कहाँ से रहा है और सरकार का सोर्स कौन है पैसा देने वाला, आपको जानने का पूरा पूरा अधिकार है क्योंकि गवर्नमेंट को आप चुन रहे हो, आप गवर्नमेंट को चुन रहे हो तो आप गवर्नमेंट की सारी बातें जान सकते हो। और राइट टू इन्फॉर्मेशन का आर्टिकल है 19(1)(a) के अंदर ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप हर चीज़ को जो है गवर्नमेंट की जान सकते हो, और कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन है इसी राइट का, ये वॉयलेशन है। और वॉयलेशन जो है किसका वॉयलेशन हुआ है तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, और सरकार ने कहा कि भाई कुछ भी वॉयलेट हो जाए पर फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना, और इस बात को सही मान के उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करे जा रहे थे उन पर रोक लगा दी कि भैया किसी प्रकार के कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होंगे, और SBI को कहा है कि पिछले 6 महीने में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं उनकी आप डिटेल बताओ कि किसके साथ में कितने कितने रुपए पे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। समझ आएगी बात सारी, एक्स का तो अपने बताइए ना 1,00,000 रुपए दिए, कोई मतलब नहीं है, 1,00,000 करोड़ जितने तुम्हें दो जितना बड़ा तुम ले गएंगे कि सर ये पे ये पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। खास तौर पे ध्यान रखना मल्टीपल पूछ सकते हैं, बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस के अंदर क्या क्या है। उसके बाद IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इस एजेंसी ने क्या करा है तो अभी PNB के साथ में टाइप करा है ताकि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोग्राम है या कोई ऐसी स्कीम आती है रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जिसको रिन्यू करा सकते उसके अंदर अगर फाइनेंस का काम होगा तो वो फाइनेंस का काम जो है पंजाब नेशनल बैंक करेगा। तो फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक से टाइप करा है। IREDA की फुल वो लिख लो आप डिटेल, वो इम्पोर्टेंट है। बोलू IREDA 1987 एस्टेब्लिशमेंट 1987 न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर CMD है प्रदीप कुमार दास। प्रदीप कुमार दास, ठीक है। PNB की भी लिखाऊंगे, लिख लो भली जगह तो है ही वहां पे। 1894
बहुत पुराना बैंक है, आजादी से पहले का। उस समय हेडक्वार्टर था इसका लखनऊ, लखनऊ नहीं लाहौर, बाद में शिफ्ट कर दिया नई दिल्ली। तो क्या हो गया, बैंक तो पुराने हैं, बहुत सारे पुराने हैं। इंपीरियल बैंक का नाम नहीं सुना तुमने? ठीक है, देखो उसके बाद में कोटा कोटेक लाइफ ने जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान निकाला है। ठीक है, जो प्राइमरी कंसर्न है इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको लेके वेल्थ ओ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं सॉरी आपका जो असेट मैनेजमेंट है उसको लेके जो है इन्होंने गारंटी वेल्थ बिल्डर प्लान जो है वो निकाला है कोटेक महिंद्रा ने। ठीक है, उसके बाद में बैंक काफ़ी परेशान चल रहे हैं। दो तरीके अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंटों की हालत ख़राब हो रही है हर बैंक की, हर शेड्यूल बैंक के जो है करंट अकाउंट जितने भी है उनके अंदर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ड्रॉप है 10.43% का टोटल डिपॉजिट अगर आप काउंट करो 2022 से लेकर 10.13% हो गया 2023 के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर लोग बाग पैसा रख नहीं रहे, करंट अकाउंट बिल्कुल खत्म हालत हो रही है। ठीक है, देखो द कॉन्सिक्वेंटली द अवेलेबल फ्लोट इन द करंट अकाउंट है डिक्रीज, हर बैंक की हालत खराब है। तो अब सारे बैंक रिसर्च की तरफ उतर गए हैं कि करंट अकाउंट का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या हम और कर सकते हैं, उसी को लेके जो है ये चीज़ें चल रही है कि एक ऑल्टरनेट तलाशा जा रहा है जो करंट अकाउंट का ऑल्टरनेट बन सके, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर ज़्यादा अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ इनको दिख नहीं रही है। उसके बाद में एक बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो दिवालिया बोर्ड होता है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उसको लेके जो है बोर्ड बना हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। इस बोर्ड ने अभी एक रिकमेंडेशन दी, एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसके अंदर बताया है कि हमको एक थर्ड पार्टी मेंबर भी रखना चाहिए इस बोर्ड के अंदर, जो पार्शियल नहीं हो, मतलब पार्शियल का बायस नहीं हो किसी की भी तरफ, और वो दोनों जो पार्टी है, जो डिस्प्यूटेड पार्टी है, बैंक हो गया जैसे और एक कस्टमर हो गया, इनके बीच में जो है सेटलमेंट करवा सके। तो एक मेंबर और होना चाहिए जिसका नाम है मीडिएशन, जिसको ये बोल रहे हैं कि मीडिएशन जो है हमको एक स्पेशलाइज्ड इंसॉल्वेंसी मीडिएशन जो है वो लेना पड़ेगा। ये कमिटी जिसको हेड कर रहे थे टी विश्वनाथ, जो कि लॉ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इन्होंने ये चीज़ बताई है। और मीडिएशन के अंदर इन्होंने बताया कि इट डिस्क्राइब्ड एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो जो पार्टीज है डिस्प्यूटेड उनके बीच में सेटलमेंट करा सके, उसको लेके जो है इंसॉल्वेंसी बोर्ड के अंदर ये भी बैठक हुई और इसके अंदर एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई। उसके बाद में जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसने जो है अभी रिसेंट के अंदर कॉरपोरेट बॉन्ड से 15% ज़्यादा ग्रोथ करा है जो लास्ट के 9 मंथ रहे हैं उसके अंदर। अगर आप देखें 9 मंथ का जो रहा पीरियड, इसके अंदर सरकार इन्होंने इस बार 80,000 करोड़ ज़्यादा कमाए हैं कॉरपोरेट बॉन्ड से। अगर आपको बताएं तो पिछली बार इन्होंने कराए, पिछली बार कमाए थे 5.3 लाख करोड़ रुपीज़, और इस बार 15% का ग्रोथ लेके इन्होंने कमाए 6.1 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 15% का इंक्रीज है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज, देखो आपने एक वर्ड सुना है क्या, स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरा। इतनी सैटेलाइट हम छोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट चलना बंद हो जाती है, चलना बंद हो जाती है वहीं घूमती रहती है वो, फिर एक दूसरे टकराती है, फिर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत कचरा है, बहुत कचरा है, उसको ख़त्म करने के लिए नासा और जापान इन्होंने मिलकर सैटेलाइट बनाई लकड़ी की। ध्यान रखना, सैटेलाइट बनाई है, रॉकेट लॉन्चर नहीं बनाया है। दिमाग में सैटेलाइट आती है वो मैं समझा करूँ कि रॉकेट है जो ऊपर जाएगा लकड़ी का, वो रॉकेट है। सैटेलाइट तो इतनी छोटी छोटी कमरे जितनी बड़ी, कमरा भी बहुत बड़ा ही है, तो उतनी सैटेलाइट होती है, वो लकड़ी की बनाई है। क्या उससे प्रॉब्लम कि बायोडिग्रेडेबल है, कभी खराब हो गई तो वो ख़त्म हो जाएगी इजीली, एल्यूमिनियम से ज़्यादा इजी भी पड़ती है, मतलब एल्यूमिनियम तो कचरे की तरह घूमता रहता है। कभी पृथ्वी की जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी तरफ अगर वो आई, उस बाउंड्री के अंदर आई, तो जल के ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो उससे क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर हम कचरा जो है वो कम से कम कर सकते हैं, तो उसी के लिए एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया। और जो पहली दुनिया की वुडन सैटेलाइट बनी जिसका नाम रखा गया है लिंगोसेट प्रोब, उसको आसमान में छोड़ा जा रहा है।
और किस किस के बीच में है, तो नासा और जापान है इनके बीच में है। और लकड़ी कौन सी है, तो लकड़ी जो है उसका नाम है मैग्नोलिया वुड, जिससे ये बनाई जा रही है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में भारत की पहली स्पाई सैटेलाइट जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। स्पाई सैटेलाइट मतलब भारत की निगरानी रखने के लिए हमको सैटेलाइट चाहिए। अभी क्या है कि जैसे हमको कोई भी कोऑर्डिनेट्स या ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास ज़्यादा हलचल है, तो अभी हम डिपेंडेंट है किस पे, तो यूएस के ऊपर। यूएस जनरली हमको बताता है कि भाई आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है, क्योंकि हमारी खुद की स्पाई जो है वो सैटेलाइट है नहीं, तो इसलिए अब पहली बार हमने जो है स्पाई सैटेलाइट बनाई है, और वो भी भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम इन्होंने बनाई है। इसको छोड़ा जा रहा है स्पेसएक्स के रॉकेट के द्वारा, और इसको अभी बना के फ्लोरिडा भेज दिया है। अब ये स्पेसएक्स का रॉकेट उसको स्थापित कर देगा वहाँ पे। क्योंकि स्पाई सैटेलाइट है, इसके लिए कंट्रोल सेंटर अलग से बनाने पड़ेंगे, और इसका कंट्रोल सेंटर हम बना रहे हैं बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर इस तरीके की सैटेलाइट जो स्पाई सैटेलाइट है उनको बनाने के लिए जो है हम कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं। हमको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, इसलिए भारत की जो मदद कर रहा है वो लैटिन अमेरिका की कंपनी है सैटेलॉजिक, वो मदद करेगी किस तरीके से सैटेलाइट करी जाए। अभी तक जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, वो अभी तक हम जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। पर ये करने के बाद में जो है भारत खुद अपनी निगरानी जो है वो इजीली रख पाएगा, और उसी को लेके जो है हमने पहली प्राइवेट सैटेलाइट बना के जो है वो लॉन्च करी है भारत की खुद की। ठीक है, ध्यान रखना, इसरो ने नहीं बनाई है, टाटा ने बनाई है। उसके बाद में ये न्यूज़ बड़ी बेहतरीन है। देखो, इस न्यूज़ के अंदर दो तीन बातें ऐसी लिखी हुई है जो अपन को नहीं समझनी, मैं तुम्हें डायरेक्ट काम के बताता हूँ। एक भारत की कंपनी का नाम है भारत जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम सुना है, यूज़ भी करी होगी। चैट जीपीटी की जैसी कि आपको सवाल पूछो आपको आंसर मिल जाए, भारत जीपीटी ने टाइप करा रिलायंस के साथ में। पैसा कौन दे रहा है पूरा बनाने का? रिलायंस। रिलायंस को टेक्नोलॉजी कौन बता रहा है? तो वो बता रही है आईआईटी बॉम्बे। ये तीनों ने मिलके भारत के अंदर, आईआईटी बॉम्बे ना, ये तीनों ने मिलके चैटबॉट बनाया है 11 भाषाओं के अंदर, 11 रीजनल लैंग्वेज के अंदर, चाहे हिंदी में बात करो चाहे मराठी में बात करो, 11 भाषाओं के अंदर चैटबॉट बनाया बिल्कुल सेम चैट जीपीटी जैसा, और उसका नाम रखा है हनुमान। ठीक है, तो आने वाली कोई भी समस्या है उसका समाधान देंगे आपको प्रभु हनुमान। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्या है आप प्रभु से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। रिलायंस ने बनाया, ध्यान रखना है ना, उसमें लिखा हुआ ऐसा सा है आपके इसके अंदर कि रिलायंस इन्फोकॉम को यूज़ ले रहे हैं, आईआईटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को यूज़ ले रहे हैं, कुछ नहीं है। तीन जने मिले हैं, भारत जीपीटी है, रिलायंस है, और आईआईटी बॉम्बे है। ये तीनों ने मिलकर डेवलप करा है, पूरा फंडेड है रिलायंस के द्वारा, और रिलायंस इसके हर सेक्टर के अंदर एआई लेके आ रहा है, मोबाइल सेक्टर, टीवी सेक्टर, सबके अंदर। वो तो भयंकर काम कर रहा है एआई के ऊपर रिलायंस। तो कुछ नहीं है, अट्रैक्टिव सा रहता है, कुछ कारण होगा, फुल फॉर्म होगा इसका, सारे मैनों की शक्ति जिसमें है, चाहे सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन, सबकी शक्ति है हनुमान के अंदर। ठीक है, अपन बात करते हैं एआई की। अब मेरी बात सुनो, बोल बच्चन वाली बातें अपन ने बहुत सारी कर ली। एआई की पहली स्कूल कौन सी है? एआई स्कूल शांतिगिरी विद्यावन है ना, शांतिगिरी विद्यावन कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल। भारत की पहली एआई स्कूल, भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं ना, बेसिक सी। अपन वो पढ़ते हैं जो अपन ने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा, मोदी जी ने भाषण दिया हिंदी के अंदर, वो ट्रांसलेट हो गया तमिल के अंदर, कौन से एआई को यूज़ करके? काशी तमिल संगम चल रहा था, मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे पर वो हाथों हाथ ट्रांसलेट हो रहा था तमिल लैंग्वेज के अंदर, भाषिणी एआई। ठीक है, फिर अपने बात करी जुगलबंदी, भारत का है, बार्ड गूगल का है, X.AI एलन मस्क की कंपनी, ये सब अपन लिख चुके हैं एक बार पहले, मैं लिखवा चुका हूँ, बड़ा सारा चार्ट बनाया। आज वो लिखते हैं जो अपन ने पास लिखा हुआ नहीं है और जो काम का है। अभी क्या क्या अपडेट हुए हैं,
उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो अपन हनुमान के बारे में बात कर लेते हैं वापिस, कि भैया ये ध्यान रखना हनुमान चैटबॉट है, और हनुमान चैटबॉट जो है इसको लॉन्च किसने करा है, तो रिलायंस, भारत जीपीटी और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इन्होंने बनाया है ये वाला। दूसरा अपने काम का वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रोबोटिक पार्क, एआई रोबोटिक पार्क। अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपको दिखेगा ए आर्ट, ए आर टी ना, आर्ट पार्क भी बोलते हैं इसको, एआई रोबोटिक पार्क इसका शॉर्ट नेम है। कहाँ पे बना है, बेंगलोर के अंदर, आईआईएससी बेंगलोर ने बनाया इसको, जनरली आर्ट पार्क बोलते हैं, एआई रोबोटिक पार्क। ये दो लिख लो, फिर तीसरी न्यूज़ मेरे साथ में लिखना जो मैं समझाता जाऊँगा चीज़ें साथ साथ, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन देखा अभी पेपर के अंदर। कौन सा पेपर देख रहा था मैं, उसमें क्वेश्चन था ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। हटाऊ बताऊ मतलब है ना, देखो अब यहां पे चीजें थोड़े ध्यान से सुनना। एक एआई रोबोट है उसका नाम है मीका, एआई रोबोट है जिसका नाम है मीका, इसको एक कंपनी का सीईओ बनाया है, एक कंपनी का सीईओ बनाया रोबोट को, कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। ये सवाल पूछा था, डिक्टाडोर कंपनी है पोलैंड की, ये पूछा था कि अभी हाल ही में किस कंपनी के सीईओ पद पे जो है एक रोबोट को रखा गया है। कंपनी का नाम डिक्टाडोर है, पोलैंड की कंपनी है, एआई रोबोट है उसका नाम है मीका। इस रोबोट को किसने बनाया है, इस रोबोट को किसने डेवलप करा है, इस रोबोट को डेवलप करा है उसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। एक रोबोट का नाम सुनाएगा सोफिया, बहुत फेमस भी थी वो, सोफिया रोबोट भी इसी ने बनाया था, हैंसन रोबोटिक्स नहीं। वो सब बताएंगे, अभी खत्म क्यों नहीं हो, तो पूरा चार्ट बड़ा है, तो बहुत सारी बातें बतानी है अभी, सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक करवाया सर्वे कि कौन सा देश इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादा एआई के अंदर, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन एआई के नाम से, कि कौन सा देश एआई के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन एआई। और इसके अंदर जो नतीजा है उसमें पहले नंबर पर है यूएसए, और पांचवें नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। उड़ीसा के अंदर एआई न्यूज एंकर थी एक, उसने न्यूज पढ़ी है, एआई न्यूज एंकर, उसने खबर पढ़ी पूरी, नाम था उसका लीसा। काम की बात यह कि जो चैनल जिस पे न्यूज पड़ी उस चैनल का नाम है ओटीवी, उड़ीसा का लोकल चैनल है, इस पे न्यूज पड़ी थी। ठीक है, ओटीवी उसका नाम है। हो गया खड़ा तू, अभी यही अटका भाई, अभी तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको किसका सीईओ बनाया, डिक्टाडोर, ये हटा दूं। अब है ना एक चीज ध्यान से सुनना, मेरे को लगता है कि इस पे सवाल बन सकता है इसलिए बता रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक समिट हुई है जिसको अपन बोलते हैं एआई सेफ्टी समिट,
अरे अंतर्राष्ट्रीय समिट है भाई, जिसके अंदर यूके के अंदर हुई ना, जिसके अंदर अपन ने ये बात करी कि भाई एआई का जो है नेगेटिव यूज नहीं करना, और वो सब जो लंदन जिसको अपन यूके बोलते हैं, जिसके अंदर हुई है ना, यहाँ पे सारे देशों ने सहमति जताई कि भैया ठीक है हम एआई का जो है नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। और वो जो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई, जो जगह जहाँ पे थी, उस जगह का नाम है ब्लेचले, है ना। एक सेकेंड रुकना, पहले लिखने दो मुझे, फिर लिखना। ब्लेचले वो जगह जहां पे हुई, और हुआ क्या, इस जगह सारे देशों ने जो है एक्सेप्ट कराई ये चीज कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे एआई का यूज करके, और एक डिक्लेरेशन हुआ जिसको साइन करा गया। तो वो डिक्लेरेशन को अपन बोलते हैं ब्लेचले डिक्लेरेशन, और आप बोल लो हिंदी के अंदर ब्लेचले घोषणा पत्र। क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बन सकता है कि ब्लेचले घोषणा पत्र यानी ब्लेचले डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, उस ऑप्शन के अंदर आपके एआई आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया की पहली समिट हुई है, इसलिए इसको वैसे भी ध्यान रखना, यूके के अंदर हुई है, ध्यान रखना। एआई समिट कहाँ पे हुई है, यूके के अंदर, और इसी के अंदर एक घोषणा पत्र अपनाया गया जिसका नाम है ब्लेचले घोषणा पत्र। और एक डिक्शनरी जिसका नाम है कोलिन डिक्शनरी 2023 वर्ड ऑफ द ईयर। कौन सा गया है, एआई वर्ड ऑफ द ईयर गया है 2023 का। वो तो हमने भारत में लेवल पे करी, अपने लेवल पे, इंटरनेशनल मीटिंग थोड़ी ना थी वो, इंटरनेशनल यूके के अंदर हुई थी, दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर हुई थी। कटा दूं, हटा रहा हूं ना। उसके बाद में अभी मिलान एक्सरसाइज जब हुई विशाखापट्टनम के अंदर, वहीं पे हमारे जो है मैरीटाइम एक्सपो जो है वो लगाया गया, ताकि हम नेवी के अंदर कितना कितना अचीव कर पा रहे हैं, वो इसके अंदर जो है बताई गई सारी चीजें। उसके बाद में ये थोड़ी काम की जो ये वाली है, अब काम की बात ध्यान से सुनना। चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे देशों ने अपने स्पेस क्राफ्ट उतार दिए, पर साउथ पोल पे सबसे पहले किसने उतारा, भारत ने, भारत पहला देश है। अमेरिका दूसरा देश बन गया जिसने साउथ पोल पे उतार दिया है, पर अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने उतारा है। आपसे ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है जिसने पहला प्राइवेट प्लेन या पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट उतारा, तो वो यूएस है। यूएस के उनकी सरकारी कंपनी का नाम नासा है, पर यूएस की कंपनी है ओडीसी स्पेस क्राफ्ट। इसने अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे उतारा है, जहां भारत ने उतारा था वहीं, ठीक है। तो अमेरिका बन गया दूसरा देश, पर ऐसा देश जिसने पहला प्राइवेट प्लेन उतारा है, तो वो अमेरिका पहला है उस केस के अंदर, ठीक है। अपन ने जहां पे उतारा उसका नाम क्या है, शिव शक्ति, शिव शंकर, शिव शंकर क्या है फिर, है अपने वाले की लोकेशन है शिव शक्ति, इनकी जो लोकेशन है उसका नाम दिया गया है मालापट, जहां पे ये उतरा है उस जगह का नाम है मालापट, अकॉर्डिंग टू यूएस, यूएस ने उसको नाम दिया मालापट, ठीक है। दूसरी काम की बात ये कि भारत अभी तक एक बार उतरा है, अमेरिका जो है पूरे 51 साल बाद चंद्रमा पे उतरा है। इससे पहले अमेरिका एक बार और चंद्रमा पे उतर चुका है 1972 के अंदर, इनका एक मिशन था अपोलो मिशन, अपोलो 17, ये 1972 के अंदर चंद्रमा पे उतरा था। उसके 51 साल बाद इन्होंने अब जाके चंद्रमा पे अपना कोई स्पेस क्राफ्ट उतारा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, इसी से बताता हूँ, नासा का एक बड़ा फेमस सा मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड का सवाल है कि कौन सा नासा का ऐसा मिशन है जो एक ग्रीस के देवता के नाम पर रखा गया है, वो यही है।
आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस ग्रीक के देवता हैं, ग्रीस के देवता हैं, उन्हीं के नाम पे इन्होंने आर्टेमिस मिशन रखा है। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है पर लिखने की भावना एकदम सही थी, ठीक है, पर नाम यही है आर्टेमिस। है क्या इसके अंदर? तो चंद्रमा पे ले जाया जाएगा आम इंसानों को, ऐसा जारी है नासा कि चंद्रमा की सैर कराया जाए। बहुत जने क्या होता है कि चांद के टुकड़े मांग लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई नाटकों में तो फिर आप रस्सी वस्सी फेंक के ले आओ, पर असलियत में आपको जाना ही पड़ेगा। तो आर्टेमिस मिशन उन्हीं के लिए लेके आए हैं, और पहले 2025 में भेज रहे थे पर अब 2026 में भेजेंगे नासा अंतरिक्ष के अंदर। पहला बैच तैयार हो चुका है 5 जनों का, जिसमें 4 पुरुष 1 महिला है। खासतौर पर जो 1 महिला है उनका नाम ध्यान रखें, उसका नाम है क्रिस्टीना कॉल, जो इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूं। स्पेलिंग कृष्णा की सी से भी स्टार्ट हो सकती है भाई, कृष्ण ये पढ़ तू। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, ले ये पढ़ ले। मैं वही कह रहा हूं ना, पंजाबी नहीं है, तुम ये नाम पढ़ ले नहीं चला, कृष्णा कोली लिखा नीचे भी, तो वो है, वो मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया। स्पेलिंग तो मैं कह रहा हूँ, मेरे केस में तुम स्पेलिंग थोड़ी सही अपने हिसाब से देख लिया करो, स्पेलिंग ऊपर नीचे होती रहती है। खड़ा तू, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद में टेबल वायु शक्ति 2024 इंडियन एयरफोर्स ने कराई है राजस्थान के अंदर, भैया राजस्थान वाला ध्यान रखें। शांति प्रयास मल्टीनेशनल हुई है नेपाल के अंदर, भारत में नहीं होती, लोड नहीं है। दोस्ती हमने तोड़ दी है पर हुई मालदीव के अंदर है, तो अब गए हैं भारत, बाकी दोस्ती वोस्ती खत्म हो गई। इंडिया श्रीलंका मालदीव कोस्ट गार्ड की हुई थी, ध्यान रखना। उसके बाद में निखिल जोशी बन गए हैं बोइंग डिफेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक महिंद्रा बैंक के बन गए केवीएस। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ जो है वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और अगर आप कहीं पे अपॉइंटमेंट लिख रहे हो तो इनका नाम लिख लेना। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं एएस राजीव। अगर मैंने भी आपको प्रमुख नियुक्तियां लिखवाई हुई है अभी रिसेंट के अंदर, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अगर नहीं लिखे हुए हैं तो मुझे बताना, मैं अगले वीक में लिखवा दूंगा। लिखाई में मुझे ध्यान है इसलिए अब तो बोल रहा हूँ, वहीं पर लिख लेना इनका भी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये CVC का, केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण 10-20 स्टार जितने बनाने उतने बना लो। ये एक तो पढ़ना है, इसको ज्ञानपीठ लिखा हुआ है भाई। ये है क्या कि जो आप घे पढ़ते हो उसको लिखते JNAN है ना, ज्ञान को ऐसे लिखते हैं JNAN। तो ये जो है ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिए हैं। एक तो है संपूर्ण सिंह कालरा, उर्दू के पोएट जिनको अपन बोलते हैं गुलजार, और एक है रामभद्राचार्य। मोदी जी के साथ में एक जो आपको अंधे से दिख रहे होंगे, अभी राम मंदिर का अनावरण जब हुआ ना, एक ब्लाइंड से दिख रहे होंगे ना, वही रामभद्राचार्य है। एक उनको ऑथर को देते हैं जनरली, ये इन्होंने 240 किताबें लिखी हैं, ठीक है, थीके? तो एक इनको दे रहे हैं और एक उर्दू पोएट गुलजार ज्ञानपीठ अवार्ड दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर में लिटरेचर के जितने भी अवार्ड हुए ना, ये वाले सारे ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सारे अगली वाली क्लास के अंदर लिखवा दूंगा। रामचंद्र नहीं, रामभद्राचार्य, हाँ PM गए थे ना अभी। शशि थरूर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती गई 19 फरवरी, वर्ल्ड सोशल डे जस्टिस डे 20 फरवरी, दोनों याद रह नहीं रहे पर ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 3 भाषाओं को हमने कल्चरल का दर्जा दे दिया है, 3 भाषाएं जिनको सांस्कृतिक भाषा कल्चरल लैंग्वेज। 7वें नंबर पर है पाली, पाली भैया से लिखना, जोधपुर पाली वाला पाली मत लिखना, लाख की माता उधर नहीं आएगी, पाली। 8वें पे दिया है प्राकृत, और 9वें पे दिया है फारसी। पहली कौन सी थी? तमिल। ये क्वेश्चन उसके अंदर आया था अभी क्लर्क मेंस के अंदर, तुम्हारे इसमें नहीं आया। ये क्वेश्चन था।
ठीक है, पाली प्राकृत प्रश्न तीन लैंग्वेज जोड़ दिए, ध्यान रखना 7वीं 8वीं 9वीं इनका ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद में सोचने का दिवस थिंकिंग डे आ जा भाई 22 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। उसके बाद में म्यूनिक जर्मनी के अंदर हुई है, जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल, इंडस एक्स हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना के अंदर, जीएसएमए करवाता है इसको, समझ नहीं हो तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा आपको ढंग से, भले हर साल होती है और इस साल की जो है ये हुई है बार्सिलोना के अंदर, तो इसको ध्यान रखना, इंटरनेशनल इवेंट है, बहुत बड़ा मोबाइल का इंटरनेशनल इवेंट है, जीएसएमए करवाता है इसको, जीएसएमए आपको आईएमईआई नंबर देता है, ध्यान रखना आपके फोन में जो 11 डिजिट का आईएमईआई नंबर है जिससे आप ट्रेस हो जाते हो, वो जीएसएमए ही देता है नंबर, यूनिक नंबर होते हैं वो सबको जो मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे फालियस नरीमन काफी फेमस सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, और बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।